हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हम जिस शेयर से रिलेटेड बनाने वाले, दो बैंक है उससे रिलेटेड, PSU बैंक है उससे रिलेटेड आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। एंड अभी तक हम डिफेंसिव खेलते थे। हम हमेशा ऐसे शेयर चूज़ करते थे जो कि डिफेंसिव है, कल की कि उसमें हमें लॉस होने के चांसेस बड़े मतलब कम ही होते हैं, और अगर हो भी जाता है बाई चांस तो फ्यूचर में वो हमें रिकवर करके एज वेल एज प्रॉफिट कमा के वो दे सकते हैं। हम ऐसे शेयर चुनते हैं, बट ये दो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये जो शेयर है मैं उन जो रिस्क लेना चाहते हैं, और रिस्क भी कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिस्क अगर कोई ले सकता है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और अच्छा खासा रिटर्न, मतलब एक साल के अंदर अंदर 50% से 100% तक के रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, पर बिफोर दैट आगे बढ़े वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमेशा की तरह कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाइए ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो सके और ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक आपका फ्री में डीमैट अकाउंट, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ मिल जाएगा, जो कि इसमें अकाउंट ओपन कराने पर बहुत सारे बेनिफिशियल्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। एज वेल एज बात की जाए, एक और लिंक है यहाँ, श्री राम जी का जन्मभूमि मतलब अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, और आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी डोनेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, 10 रुपये से लेके जितनी भी आपकी इच्छा हो वो कर सके, एक पुण्य काम में, एक महान काम में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, डी वीडियो में हिट करते हैं। तो सबसे पहले जिस बैंक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये जो न्यूज़ है ना, 2 PSU बैंक्स, टू PSU बैंक इज़ गोइंग टू बी प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइज होने वाले, दो बैंक कोई भी हो सकते हैं, नाम नेम इज़ स्टिल नॉट डिस्क्लोज, और वो डिस्क्लोज होगा भी नहीं अभी जब तक वो खबर जब तक आ नहीं जाती, बट स्टिल 2 PSU बैंक होने वाले हैं। और आगे चल के जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि हाँ केवल 4 ही बैंक आई थिंक PSU के अंडर रहेंगे, बाकी सब प्राइवेट कर देंगे, बट स्टिल अभी दो बैंक की बात हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ इसे भी छोड़ देते हैं खबर को, बट स्टिल अगर हम पंजाब नेशनल बैंक को देखते हैं, पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा था, फिर गिरावट हुई, यहाँ पर अच्छा खासा था, फिर यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ, कौन सा इंसिडेंट हुआ, नीरव मोदी का आपको पता ही है, ही रैन अवे विद द मनी, पंजाब नेशनल बैंक को आई थिंक थाउजेंड कितनी 10,000 करोड़ रुपीज़ या 14,000 करोड़ रुपीज़ का चूना लगा के निकल लिया था। तो उसकी वजह से ये बैंक की जो किस्मत है वो एक साथ ही चेंज हो गई, जो शेयर अच्छा खासा चलता था, टू टू 200-300 पे आसपास ये शेयर चलता था, वो आज शेयर 40-45 रुपये में मिल रहा है। और अगर बात की जाए तो बीच में कितने रुपए पे आया था, 20-25-27 रुपये, 2500 रुपये पे ये शेयर मिलता हुआ हमें नज़र आया था। बट अभी जो इसके चांसेस बन रहे हैं, ये जो शेयर है मतलब डबल के रिटर्न दे सकता है, 69-80-70 रुपीज़ तक के इसके टारगेट सेट किए जा रहे हैं। एज वेल एज आपको बताऊँ तो अच्छा खासा यहाँ पर ये शेयर ग्रो करके दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कुछ फैक्ट तो देखिए आज के दिन भी देखिए 1,03,18,815 शेयर उठाते हुए नज़र आए हैं। 2600 रुपये का ये शेयर 29 अक्टूबर को था, 52 वीक लो, 46 रुपीज़ का 19 फेब को था। अगर बात की जाए कंपनी इंफॉर्मेशन में तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 76% के शेयर प्रोमोटर्स के पास है, बाकी पब्लिक के पास है, और कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी हमें नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधे आते हैं पंजाब नेशनल बैंक, मार्केट कैपिटल देख सकते हैं, 43,587 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटल है, पी रेशो 50-59 का पी रेशो है, ROC ही 5% है, बट पैसे डबल होने के बहुत चांसेस है इसमें। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं रिवेन्यू, तो यहाँ पर रिवेन्यू आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए दिसंबर में भी 20,325 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट हुआ था। अगर प्रॉफिट की भी बात करते हैं हम यहाँ पर,
ओके, नेट प्रॉफिट की जो कि घाटे में था। यहाँ नीरव मोदी का जो केस हो गया था, ओके, लोग डरने लग गए थे। उसके बाद यहाँ कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट कर रही थी उसके बाद नेगेटिव बैन में आने लग गई। बट स्टिल अगर हम यहाँ पर देखते हैं पिछले 3 महीने में तो कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कैसा, इंक्रीजिंग मैनर में ये प्रॉफिट अर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, और ईयरली बेस पर भी अगर हम बात करें तो ईयरली बेस पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट कितना अच्छा खासा यहाँ पर देखिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ पर 2000 मार्च 2020 में 336 था, अभी पिछले 12 महीने में 738 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और देखिए बोराइंग कंपनी के पास, देखिए एक छोटी सी कंपनी कितनी 45,000 करोड़ रुपए की, 43,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी कितना बोरिंग रख रही है। जो मतलब बोरिंग मतलब डिपॉजिट, सिंपल सी बात है, ये डिपॉजिट लेते हैं वही उनकी बोरिंग होती है। 7,54,72 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या है, बोरिंग है इस बैंक के पास। ओके, और रिजर्व्स भी देखिए कंपनी के पास अच्छे खासे हैं। बट क्या रेट पिट गई, रेट पिट गई इसकी इसी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ नीरव मोदी, कुछ एनपीए, ओके, इस वजह से यहाँ पर ये सब होता हुआ दिखाई दिया। बट एनपीए को तो इन्होंने अब साइड में रख ही दिया है, एनपीए इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। बट स्टिल कंपनी इज नाउ मेकिंग स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ एचडीएफसी की, देखिए एचडीएफसी इससे लगभग 20 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है। ओके, आप इसे देखेंगे तो 20 गुना यहाँ पर ज़्यादा बड़ी कंपनी है। और अगर हम यहाँ पर इसके रिजर्व्स देखते हैं ना, एचडीएफसी की बोरिंग देखते हैं सॉरी, तो यहाँ पर कितनी 13 लाख करोड़ की यहाँ पर बोरिंग, और इसकी बोरिंग कितनी है 7 लाख करोड़ रुपए की, लगभग लगभग आधी करोड़ मतलब 50 कह सकते हैं, या कह सकते हैं 55-60% की बोरिंग इसके पास है। ओके, डिपॉजिट इसके पास है, इस बैंक के पास है। तो ये पूरे चांसेस रखती है, कुछ एनपीएस हुए थे ओके, जिस वजह से यहाँ पर ये होता हुआ दिखाई दिया। बट अभी मुझे लगता है कि ये कंपनी पर, ये जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, ये आपको ग्रो करता हुआ नजर आएगा। इसी के अगेंस्ट अगर हम यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक को देखते हैं तो इसका मार्केट कैपिटल तो देखिए 10 गुना है, बट बोरइंग की बात की जाए ना तो पंजाब नेशनल बैंक से बोरइंग में ये केवल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वहाँ पर 7.5 लाख करोड़ रुपए का बोरिंग थी, यहाँ पर 12 लाख, तो थोड़ी बहुत ही ज़्यादा है, 4-5 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट बैंक है, कभी डूब नहीं सकता, इस बात को याद रखना। और इसके पूरे चांसेस है, ओके, इसमें जो वॉल्यूम भी आ रहा है ना, अच्छा खासा भर भर के इसमें वॉल्यूम आ रहा है, तो इसलिए याद रखो ये जो शेयर है अच्छा खासा भागने का पूरा दमखम रखता है। और जितना बाय ऑन डिप्स हो सके ना, बस जितना नीचे पे आपको मिल सके तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हो। ज़्यादा पैसा लगाने के लिए मैं फिर भी नहीं कह रहा, मैं आपको हमेशा अच्छे पैसा लगाने के लिए किसमें कहता हूँ, एचडीएफसी, कोटैक, आईसीआईसीआई बैंक, ओके, इन बैंकों में आप जा सकते हो, एक्सिस बैंक की तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा सा अगर रिस्क लेना है तो आप पंजाब नेशनल की तरफ भी देख सकते हो। इसके अलावा एक और बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओके, ये शेयर अगर बात की जाए, काफ़ी दिन से देखिए यहाँ पर अपर सर्किट में चल रहा था, फिर लोअर, फिर अपर सर्किट, तो ये भी चांसेस ना पूरे रखता है आपके पैसे डबल करने का विद इन 1 ईयर। ओके, 1 साल के अंदर अंदर शायद ये आपको 3600 रुपये पे आके दिख सकता है। ओके, तो इस शेयर को भी कम बिल्कुल मत समझिएगा। ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न है, मैं ऐसे शेयर वैसे बनना ऐसी वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, बट अभी चांसेस लग रहे हैं कि ये जिस तरीके की खबरें आ रही है, जिस तरीके के प्राइवेटाइजेशन की खबरें आ रही है, जिस तरीके का बैंक परफॉर्म्स कर रहा है, उस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बैंक्स है इसमें अगर आप थोड़ा बहुत पैसा लगा देते हैं ना, थोड़ा बहुत इन द सेंस आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के ऊपर, मेरी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, मैं उसी हिसाब से रिस्क लेके इसमें लगा सकता हूँ कि कल को डूब भी गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इसमें मुझे पैसे डबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 56-57% की डिलीवरी आज की डेट में, 10 रुपये का शेयर 52 वीक लो अक्टूबर में मिल रहा था, आज 26 रुपये का शेयर इसका 52 वीक हाई है, और 18 रुपये का अब भी मिल रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 89% के शेयर किसके पास है, इस बैंक के पास ही है। कोई भी शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं गिर भी नहीं है। बट और अगर बात की जाए यहाँ पर, तो देखिए कितना मिड कैप कंपनी है, मिड कैप कितना, मिड कैप भी नहीं, स्मॉल कैप ही कहेंगे इसे, कितना 11,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी नज़र आती है, ऐसे ये बैंक नज़र आता है। बट अगर इसका डिपॉजिट देखेंगे ना हम, तो डिपॉजिट देख के चकरा जाएंगे, इसके पास डिपॉजिट कितना है, 3,19,000 करोड़ का डिपॉजिट है, केवल 10,000 रुपये की एक 10,000 रुपये मतलब 10 11 लाख करोड़ रुपए की कंपनी के पास, ओके, बैंक के पास
कितनी बोरिंग है, 3,19,550 करोड़ की डिपॉजिट है, जो कि काफ़ी मतलब इससे बताती है कि इस बैंक में कितनी स्ट्रेंथ है। अगर बात की जाए यहाँ पर रेवेन्यू की, तो देखिए कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ओके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ पर देखिए इस बार का जो प्रॉफिट है, जहाँ पर नेगेटिव में प्रॉफिट जा रहा था वो दोबारा पॉजिटिव में प्रॉफिट आ गया है। एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर ईयरली बेस की, तो ईयरली बेस पे आप देख सकते हैं कंपनी अपने जो जो घाटे में जा रही थी, धीरे धीरे इसका घाटा कम होता जा रहा है और कंपनी दोबारा से मतलब आ तो रहे एक साथ अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ FIIs भी इसमें थोड़े बहुत है, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी देखी FIIs ने, उन्होंने भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, थोड़ा ही पैसा लगाया, तो थोड़ा सा पैसा आप भी यहाँ पर लगाते हुए देख सकते हो और थोड़ा अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनता हुआ आपका नज़र आ रहा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर इससे कंपेयर की जाए कोटक बैंक से, तो कोटक बैंक कितना मार्केट कैपिटल है, इसका मार्केट कैपिटल 3,92,000 है, लगभग 4 लाख के लगभग कह सकते हैं, और उसका कितना है 11,11,000। और अगर बोरिंग की बात की जाए तो उसके पास बोरिंग कितनी है, इसके पास बोरिंग है 3.5-4 लाख करोड़ रुपए की बोरिंग है, मतलब डिपॉजिट है, और इसके पास बोरिंग सेम 3 लाख करोड़ रुपए की। तो कोटक बैंक से इसकी डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ, बट कोटक बैंक अलग बैंक है, प्राइवेट बैंक है, और अगर इसमें से कोई सा भी बैंक प्राइवेट भी हो जाता है ना, अगर ऐसा मौका मिलता है, तो ये शेयर ना आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा सकते हैं, इसलिए बताना चाहता हूँ। छोटा सा डिपॉजिट देखिए इनके पास डिपॉजिट कितना है, और कंपनी हर क्वार्टर में अब धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और अच्छा खासा प्रॉफिट आगे भी देता हुआ नज़र आ रही है, और अच्छा खासा हमें अगर बात करूँ तो ये आपको विद इन बहुत टाइम बहुत जल्दी ही आपको 36 रुपीज़ का यहाँ पर टारगेट आता हुआ नज़र आ सकता है विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर में आपका अगर पैसा डबल हो जाता है तो क्या क्या बुरा है, तो मतलब 100% के रिटर्न होते हैं सीधे, अच्छे खासे वॉल्यूम आ रहे हैं। अपर सर्किट में ये अभी चल रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, अभी अपर सर्किट, और अभी यहाँ पर देखिए आज के दिन में मौका मिला है खरीदने का, तो जब भी आपको मिले ना बाय ऑन डिप्स करने का, तो इस बैंक को छोड़िएगा मत, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके ये दे सकता है, इसलिए मैं इसी से रिलेटेड आपको बताना चाहता था और मैंने आप इससे रिलेटेड आपके लिए ये वीडियो ला दी है। और अगर इसकी बात की करें ना, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी है 36, प्राइस कितना चल रहा है इसका, इसका प्राइस चल रहा है 18, तो मतलब बुक वैल्यू से अंडर, और जब बुक वैल्यू के अंडर कोई चीज़ काम कर रही होती है ना, तो अब वो पूरे चांसेस होते हैं उसके वो बुक वैल्यू तक जाने के, तो इस बात को याद रखना, और डबल आपका पैसा कर सकता है। तो इसलिए थोड़ा मेरी ये रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू द नॉलेज, और आपको बता रहा हूँ कि इसमें पैसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर कोई भी पोजीशन लेना है, खुद की स्टडी कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा, और इस ऐसी कंपनीज में ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके और हम लोग भी एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रो कर सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।